गुड मॉर्निंग। कोई फोन आया तुम्हारे लिए? एक घंटे से तो कोई नहीं आया जी। वो जो कमिश्नर साहब को फाइल पहुंचानी थी पहुंचा दी? अरे मैडम कब की, वो तो सुबह ही 2 घंटा पहले ही पहुंचा दी। गुड यार। अच्छा टाइम पर आना कल से चौकी। कितनी बार? नहीं, मतलब एंड कर रहा हूं। एक्सक्यूज मी मैम, टमाटर महंगे हो गए। अबे तो तू के टमाटर केचप बना दी से जो तेने टेंशन है। कौन है तू? मैडम मैं पुरानी हूँ। तो फिर नई कौन है? ओहो पापी जी, आप भी मेरी तरह पुरानी हैं हैं? अरे 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 भाई, थारे जैसा पुराना कौन हो सके? तू तो मोहनजोदाड़ो की खुदाई में निकला था, इंसेंट। कैरी ऑन। सब्जी खरीदते खरीदते तुम्हारे आने का क्या है इंटेंशन? अच्छा अब जल्दी से दे दो अपना इंट्रोडक्शन। ओके भाई। नमस्ते मैडम, मेरा नाम है मैडम पुरानी, पुरानी पांडे। टमाटर महंगे हो गए। और कोई भैया नाम ना मिला पेरेंट्स को रखने के लिए? पुरानी। 2 साल बाद मेरी सिस्टर पैदा हुई, उसका नाम उन्होंने रख दिया जींस। और जैसे ही 4 साल बाद मेरा भैया पैदा हुआ, उसका नाम रख दिया उन्होंने गिटार। अब इत्तेफाक देखिए मैडम, जब भी डैडी जी को हम तीनों को इकट्ठा बुलाना होता है, गाना बन जाता है। टमाटर महंगे हो गए। Well, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट पालम is the ताऊ जी पालम नहीं बालम। मेरे बालम जुल्मी बालम बैरी बालम बदमाश बालम शक्की बालम निष्ठुर बालम। ओ मैडम इसके तो 5-5 बालम है। अरे मैडम आप बिना एक नंबर की बोली है। मैडम ये खुद बोल रही है सामने से कि इसके बदमाश बालम बैरी बालम निष्ठुर बालम शक्की बालम जुल्मी बालम हो गए ना मैडम 5-5 बालम। भैया मेरे एक ही पति हैं जो शादी के 8 साल बाद अब मुझ पे शक कर रहे हैं। टमाटर महंगे हो गए। ओहो तो तुम क्या चाह रही थी कि वो शादी के 8 महीने बाद ही तुम पे शक करना शुरू कर देते? भैया ऐसा कुछ तो है हुआ कि उठ रहा है धुआं। Oh my God! Mind boggling! What a share! Wow! ऐसी चमचागिरी मन ने कतई पसंद ना है। तू एक काम कर, तू निकल, धूप में जाके टैनिंग ले, तू चल निकल। जल्दी जा। अब मैडम हुआ ये क्या हुआ ये तो मुझे भी नहीं पता मैडम, लेकिन मैडम मेरे पति हमेशा मुझ पे नजर रखते हैं, मुझसे तरह तरह की बातें पूछते रहते हैं, मैं मुझ पे शक करते हैं। अब बताइए मैं क्या करूं मैडम, अब बताइए मैं क्या करूं मैडम। मेरे पति मुझ पे शक करते रहते हैं, बार बार मुझसे पूछते रहते हैं ये कमाल कौन है, कमाल कौन है। टमाटर महंगे हो गए मैडम। तो कौन है ये कमाल? कमाल कर रहे हो भैया? अरे मुझे क्या पता कमाल कौन है। मैडम आपसे एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है मैडम कि आप मेरे हस्बैंड को यहाँ पे बुलाइए। और मैडम बहुत गुस्से वाले, प्यार से पूछिए उन्हें कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं मुझसे कमाल कौन है जबकि मैं जानती नहीं कमाल कौन है। मैडम आप कुछ करिए ना प्लीज, वरना मेरी गृहस्थी का टुल्लू पंप हैंडपंप बन के रह जाएगा। और मैडम कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैं अपने घर के पंखे से झूल जाऊं। ऐसा कुछ करने की जरूरत ना है, पंखा जो है गिर के टूट जाएगा, वैसे महंगे चल रहे हैं आजकल पंखे वंखे। अपने पति की डिटेल लिखवाते हैं, हम बुलवाते हैं, उससे बात करते हैं हम। ओके थैंक यू सो मच मैडम, टमाटर महंगे हो गए। उसको देख धूप में कहीं पापड़ बन गया हो, उसको बोल बुलवाया इसके पति ने। आइए आइए। क्या हो गया? अरे
मॉम शी इज हिज हस्बैंड। ओ दादाजी मैं शी नहीं ही हूँ, और हिज हस्बैंड नहीं हर हस्बैंड, मुझे शक है। मैं चपेट मारूंगा कान के नीचे अगर मेरी इंग्लिश खराब करने की कोशिश की। आई एम वेरी गुड फॉर इंग्लिश। हाँ भैया ऐसा है, एक बार इंग्लैंड में बाढ़ आई तो वहाँ एक जो है सबसे भोंडा बच्चा इंग्लैंड का बह गया। अंग्रेजों ने भी कहा सही है अच्छा है, और फिर जो है पंजाब पहुंच गया और वहां से आ गया चौकी। इसकी छोड़ तू यो बता, तू है वो पुरानी पांडे का हस्बैंड? मुझे शक है। तुम्हें इस बात पे शक है कि तुम पुरानी पांडे के हस्बैंड हो? ना उसका हस्बैंड तो मैं हूं ही। उसका हस्बैंड मैं हूं ही से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब तुम किसी और के भी हस्बैंड हो? जी मुझे शक है। मैडम ये मेरा तकिया कलाम है। तकिया चीर दूंगी, चद्दर फाड़ दूंगी, गद्दे में लगा दूंगी मैं आग। हाँ यार देखो, तुमको जो कुछ भी बोलना है जरा खुल के बोल दो, सारी खिड़कियां खोल दो, क्योंकि एक बार हमारे मैडम के दिमाग का तानपुरा छिड़ गया पूरा का पूरा, तो हमारी मैडम एक नंबर की उबलती चाय की अत्याचार की अदरक से, मेरा मतलब है खौलती कड़ाई की खुर्राट कचौड़ी से, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? नाम? नवीन पांडे, मुझे शक है। वाह बीवी पुरानी हस्बैंड नवीन के लगा रखा है तैने? सर में चमेली का तेल हाय हाय, और कपड़ों में परफ्यूम लगा रखा है, मुझे शक है। अबे बीवी आई थी धारियां चौकी में, FIR लिखवा के गई है कि भैया 8 साल बाद भी पति को बिल्कुल ट्रस्ट ना है। बीवी पे शक कर रहा है तू? शर्म तो आना रही कोई। अबे क्यों पूछ रहा है उससे कि भैया कमाल कौन है, कमाल कौन है? तो मुझे भी पता लगाना है कि ये कमाल कौन है, मुझे शक है। अरे लेकिन तुमको क्यों पता लगाना है कि ये कमाल कौन है? बात को ज्यादा मत घुमाओ फिरो, मैटर क्या है खुल के बताओ। ओके बाय। ओके मैडम, मैटर ये है कि रोज शाम को जब मैं ऑफिस से घर लौटता हूँ तब मेरा बेटा कंपाउंड में खेल रहा होता है। हाँ, और जैसे मैं कंपाउंड के अंदर घुसता हूँ एक रहस्यमयी राक्षसी किस्म का आदमी मेरे नजदीक आता है और मेरे कान में कहता है, अरे भाई साहब देख रहे हो वो कमाल का लड़का है, समझ रहे हो ना? अरे वो वाला जो बगल में खेल रहा है ना, वो कमाल का लड़का है। अरे सच कह रहा हूँ, वो देखिए वो जो है ना वो कमाल का लड़का है। और मैडम मुझे शक है, वो बार बार मुझे कह रहा है कि ये कमाल का लड़का है, वो कमाल का लड़का है, जबकि मैं अब तक ये समझ रहा था कि वो मेरा लड़का है। मुझे शक है। शर्म कर ले शर्म, पत्नी पे शक कर रहा है, शर्म ना आ रही तेने? नहीं बिल्कुल नहीं आती मैडम, मैं क्या है बचपन से शक्की टाइप का इंसान हूं, क्योंकि मुझे शक है। अरे एक बार तो ऐसा हो गया था कि मुझे शक आ गया था कि मैं इंसान नहीं बल्कि गधा हूं। ये दादाजी सही कह रहा हूँ मैं, 6 महीनों तक मैंने घास खाई थी, और अब की बार वो इंसान मुझे कब से कह रहा है कि ये कमाल का लड़का है, कमाल का लड़का है, ये कह कह के मुझे पागल कर दिया है, मेरे दिमाग में ना शक का कीड़ा रोप दिया है उसने, मुझे शक है। यार ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो मतलब अगर मैं तुमसे ये कह दूं और बार बार तुमसे कहूं कि तुम्हारी बीवी हेमा मालिनी है, तुम्हारी बीवी हेमा मालिनी है, तुम्हारी बीवी हेमा मालिनी है, तो क्या तुम्हें शक हो जाएगा कि तुम्हारी बीवी सचमुच हेमा मालिनी है? नहीं मुझे ये शक हो जाएगा कि मैं धर्मेंद्र हूं। देख यार शक का कीड़ा दिमाग को ही नहीं बल्कि गृहस्थी को भी चबा जावे। तमीज में रह ले वरना बीवी निकाल देगी घर से बाहर, शक वक करने की जरूरत ना है कोई। आई नो मैडम, आई नो कि ये पुलिस स्टेशन का केस नहीं है बल्कि एक सोशल केस है, लेकिन प्लीज मैडम अब मैं क्या करूं? अरे वो इंसान मुझे बार बार कह रहा है कि ये कमाल का लड़का है, ये कमाल का लड़का है, जबकि वो आदमी मुझे ये भी तो कह सकता है ना कि ये पांडे का लड़का है, ये पांडे का लड़का है, इसीलिए मुझे शक है। यार उस आदमी को बुलवाओ यार। अरे सर 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 क्या कर रहे हैं सर आप? सर मैं हूं सर, मैं गुलगुले। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं आपके साथ कमर मटका रहा हूं। तुम हमारे साथ नाच रहे थे? सुनो गुलगुले, ये बात ना तुम किसे कहना नहीं कि हम तुम्हारे साथ नाच रहे थे, ओके? सर ये बात मैं खुद भूलने की कोशिश कर रहा हूँ सर। गुड गुड वेरी गुड। सर वैसे आपके पास एक 500 रुपए का नोट होगा? क्यों बे? नहीं क्योंकि क्या है सर, उस 500 रुपए के नोट को मैं अपने सामने रखूंगा और मेडिटेशन करूंगा सर,
ताकि मैं सब कुछ भूल जाऊं और किसी को ये बताऊं नहीं कि आप मेरे साथ डांस कर रहे थे, वरना क्या है सर कि मैं मक्खन बहुत खाता हूं ना, इसके लिए मेरी जबान कहीं भी स्लिप हो जाती है। ये लो 500 रुपए और सुनो, मक्खन ना थोड़ा कम खाया करो। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, थैंक यू। मिस चौटाला, क्यों देखते हम आपका ड्रीम? ये गुलगुले लगा के हमें 500 रुपए का क्रीम वसूल करेंगे हम तुझसे, तुझसे तो वसूल करेंगे। एक्सक्यूज मी, मुझे बुलाया? ये वो महानुभाव। हाँ मैडम, अभी अभी इन्होंने मुझे यहाँ पे कान में मेरे कहा कि वो लड़का जो है ना वो कमाल का लड़का है, मुझे शक है। वेल ब्रो, Why are you टोल्डिंग हर दैट कमाल का लड़का है? एक्सक्यूज मी, ये दादाजी ने क्या कहा? इस अंग्रेज के बेटे गोपी की बातों में मत आओ, कमाल का लड़का है, कमाल का लड़का, क्यों कहते हो जल्दी से बताओ। ओके बाय। नाम बोल पहले अपना। जी मेरा नाम है साधु, साधु शिव हरे। ओ, नाम है साधु और काम शैतानों के। अरे मैंने ऐसा क्या किया? अबे यार तू इसको क्यों कहे जा रहा है इसके लड़के को देख देख के, इसके बेटे को, कि ये कमाल का लड़का है, वो कमाल का लड़का है? हाँ मैडम, कहता हूँ क्योंकि वो लड़का वाकई कमाल का, क्या बताऊँ क्या कमाल का लड़का है वो। देखा मैडम, अभी भी ये कह रहे हैं कि वो कमाल का लड़का है, मुझे शक है। हाँ, किस प्रकार से कमाल का लड़का है वो? मैडम वो कमाल का क्रिकेट खेलता है मैडम, और कमाल की बातें करता है मैडम, और तो और मैडम उसका जनरल नॉलेज भी कमाल का है मैडम, इसलिए मैडम मैं उसकी तारीफ में कहता हूँ कि कमाल का लड़का है, इसमें क्या बुरा है? ओह, मतलब तुम तारीफ करते हुए कहते हो कि क्या कमाल का लड़का है? Absolutely। ओह, मतलब वैसे ही जैसे मैं कहता हूँ कि मैडम आप बिना एक नंबर की बोली है। That's right, मैं तारीफ ही करता हूँ, क्यों इन्हें क्या लगा? सुन लिया है? अबे तारीफ कर रहा था अरे बेटे की, कि कमाल का लड़का, मतलब बहुत बढ़िया, अरे वाह वाड़ा कमाल का लड़का टाइप, और तैने एक फालतू सी बात का जो है ना केस बना दिया यहाँ चौकी में आके। जैसे हम पुलिस वालों के पास तो और कोई काम ना है। इब जा अपने घर और बीवी पे शक ना कर। Well dudes, now you are satellite. Satisfied. Yeah, this one. चलो जाओ यार जाओ, और जरा घर जाके भाभी जी से कहना कि कुछ जरा आलू के पराठे वराठे बना के रखें, क्या है कि आज इवनिंग वॉक के लिए मैं तुम्हारे एरिया में ही आ रहा हूँ। भाभी जी से कहना कि मैं डाइट पे हूँ। निकलो यहाँ से। हाँ जी, कमाल के आदमी हो यार तुम भी। मैं पुरानी का आदमी हूँ। वाह मैडम वाह वाह, मजा आ गया मैडम, क्या केस था, यू 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 केस सॉल्व हो गया फटाफट। केस अभी सॉल्व ना हुआ है। वेल मॉम, What do you mean is the? जरा उस कमाल के लड़के को बुलवाओ चौकी में, हम भी तो देखें उसका कमाल। हाँ, शाबाश, अब खाता तो है नहीं। नमस्ते मैडम, टमाटर महंगे हो गए। यो थारा छोरा। यस मैडम, टमाटर महंगे हो गए। इसी की वजह से हुए होंगे टमाटर महंगे। कितना खा रहा है मैडम देखिए। खबरदार जो मेरे बच्चे को नजर लगाई। अरे भूखी कहाँ है इसे, चिड़िया के बराबर तो खाता है मेरा लाल। अच्छा मैडम ये बताओ, मेरा तोता कैसा लगा आपको? तोता, तोता है यो? यस मैडम, मेरे मन का चैन, दिल का सुकून, सर्दियों का नवंबर, गर्मियों का जून, टमाटर महंगे हो गए। मैं क्या पापी जी, आप तो भाई साहब आप पे शक नहीं करते ना? अरे दादाजी अभी भी उनका वही हाल है, कल रात नींद में बड़बड़ा रहे थे कमाल कौन है कमाल कौन है। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने तो चादर ठूस दी उनके मुंह में, तब जाके चैन से सो पाई मैं, टमाटर महंगे हो गए। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ भाई बेटा बालक, क्या नाम है थारा? केला। केला ले तो रखे केला है, और क्या ले हो तू? Well, yes, what is the name is the?
तू बालक ने और जो है कंफ्यूज कर ले. व्हाट इज द नेम इज द पालम इज द प्रॉब्लम इज द दमदम इज द इज द इज द कैरी ऑन. अरे एक मिनट मैडम, नाम को छोड़िए ना बेटा. तुम क्रिकेट खेलना पसंद करते हो ना बेटा? हां क्रिकेट अच्छा लगता है ना तुमको? आलू आलू अभी तो खा के आया तू? आलू आलू. अच्छा पुत्र ए दस, दो दुनी चार कितने होते हैं? पिज्जा 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 दिलाऊंगी तुझे, रुक जा. मैंने बता दिया अंकल जी को. शर्मा आ रहा है. ठीक है शर्माते हुए निकलो बाहर दोनों माँ बेटे जाओ. लेकिन मैडम ये बताओ हमें बुलाया क्यों था? जो देखने के लिए बुलाया था वो देख लिया. देख लिया देख लिया ना मेरा तोता. ओके बाय मैडम, टमाटर महंगे हो गए. चल जल्दी आइसक्रीम बाहर मिलेगी, ठेला लगेगा तो आऊंगी. यार वो साधु से भरे तो कह रहा था कि ये वो कमाल का लड़का है, कमाल का लड़का है. लेकिन जैसे कि आप सभी ने यहाँ देखा साक्षात अपनी आंखों से स्वयं, कोई कमाल वमाल का लड़का ना है. वो एक नंबर का खाऊ और भोंदू टाइप का बच्चा है. पर मम्मी जी वो साधु शिवहरे नवीन पांडे को ये क्यों कहता है बार बार कमाल का लड़का है, कमाल का लड़का है? यो ही तो पता लगाना है और मैं पता लगा के रहूंगी. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.